आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार, विद्या भारती के ऑनलाइन वीडियोस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा नौवीं संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ कल्पतरु का दूसरा भाग। एतत् आकर्ण्य, ऐसा सुन करके जिमूतवाहन अचिंतयत्। जिमूतवाहन ने विचार किया, सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, इस प्रकार का अमर पादप प्राप्त करके भी पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। इस प्रकार का अमर पादप प्राप्त करके भी पूर्वे पुरुषे, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, उनके द्वारा अस्माकं, हमारे लिए तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। हमारे लिए ऐसा कोई भी तादृशं फलं, इस प्रकार का कोई अच्छा परिणाम, कोई फल किमपि न प्राप्तम्, कुछ भी नहीं प्राप्त किया गया। किंतु केवलम कश्चित एव कृपणे है कश्चित अपि अर्थः अर्थितः। किंतु कुछ, केवल कश्चित एव, यानी कुछ कृपणे, यानी कंजूसों के द्वारा, हमारे कुछ जो कंजूस पूर्वज थे उनके द्वारा कश्चित अपि अर्थः अर्थितः, कुछ धन मांगा गया, थोड़ा बहुत धन मांगा गया, धन अर्जित किया गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरुः अभिष्टं साधयामि, तो मैं इस कल्पतरु से, इस कल्प वृक्ष से कुछ अभिष्टं, यानी कुछ अच्छा साधयामि, यानी जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं इससे प्राप्त करूँगा। इति, यानी ऐसा, ऐसा उसने विचार किया। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम अगच्छत्, इस प्रकार कह करके और वह अपने पिता के पास गया। आगत्य च सुखम आशीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, और आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। जब वे अकेले थे तब उनसे निवेदन किया, कहा, तात पिताजी, त्वम तु जानासि एव, आप तो जानते ही हैं, यदस्मिन् संसार सागरे, कि हमारे इस संसार सागर में आ शरीरम, यानी आजीवन, या जब तक यह हमारा शरीर है तब तक इदम सर्वम धनम, यह सब धन विचिवत चंचलम, यह जो सारा धन है वह निरंतर क्या है, चंचल है, चलने वाला है, टिकने वाला नहीं है, धन आएगा और धन चला जाएगा। एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे, केवल एक परोपकार ही ऐसा है जो अस्मिन् संसारे, यानी इस संसार में अनश्वर, अनश्वर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। यह युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, जो युगों युगों तक यश फैलाता है, जो युगों युगों तक हमें याद करता है, जो युगों युगों तक हमारी ख्याति, हमारी प्रसिद्धि को फैलाता है। तद अश्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्ष्यते, तो हमारे द्वारा, अश्माभिः, यानी हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्पतरु की किमर्थम, यानी किस लिए रक्ष्यते, यानी रक्षा की जा रही है, तो इस हमारे द्वारा इस कल्पतरु की किस लिए रक्षा की जा रही है, क्यों रक्षा की जा रही है। येश्च पूर्वेरायं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, और ये, यानी उनके द्वारा, जिनके द्वारा, सॉरी, ये यानी जिनके द्वारा, च यानी और जिनके द्वारा पूर्वे, यानी पहले, अयम मम मम, अयम यानी यह, मम यानी मेरा, यह मेरा है, यह मेरा है, इति आग्रहेण रक्षित, इस प्रकार आग्रह करके और इस पेड़ की, इस कल्प वृक्ष की जो रक्षा की गई है, ते इदानीं कुत्र गतः, वे अब कहाँ गए, वे अब कहाँ गए हैं, तेषां कस्यायम, तेषां कस्याम, कस्या अयम, उनमें से, तेषां यानी उनमें से, उन पूर्वजों में से, अयम यानी यह, कस्याम यानी किसका है, यह कल्प वृक्ष किसका है, उनमें से, अस्य वा केते, अथवा अस्य यानी इसका, या इसके, इस पेड़ के, केते वे कौन थे, इस पेड़ के वे कौन थे, ऐसा कहने वाले वे कौन थे, जो इस कल्प वृक्ष की रक्षा करने वाले थे वे कौन थे, क्यों, वे तो चले गए। त
तस्मात् परोपकारेक एक फल सिद्धये त्वद आज्ञया इमं कल्प पादपम आराधयामि। तस्मात् यानी इसलिए या इस कारण से परोपकार एक परोपकारे परोपकार के द्वारा एक फल सिद्धये केवल एक फल सिद्धि के लिए त्वद आज्ञया आपकी आज्ञा से इमं कल्प पादपम इस कल्प वृक्ष की आराधयामि आराधना करूंगा। मैं आपकी आज्ञा से केवल एक फल सिद्धि के लिए केवल परोपकार के लिए मैं आपकी आज्ञा से और इस कल्प पादप की आराधना करूंगा, इसका आह्वान करूंगा। अथ पित्रा इसके बाद पित्रा पिताजी के द्वारा तथा वैसी ही इति अभी अनुज्ञात इस प्रकार की अब अथ यानी इसके बाद पिता के द्वारा इस प्रकार की या पिता से इस प्रकार की अभ्यनुज्ञात यानी इस प्रकार की आज्ञा पाकर के सह जीमूतवाहन वह जीमूतवाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच कल्पतरु के पास जाकर के उपगम्य यानी पास जाकर के उवाच यानी बोला कहा देव त्वया अश्मत् पूर्वेषां अभीष्टः कामः पूरितः। हे देव कल्प वृक्ष कहा हे देव आपके द्वारा त्वया यानी तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वेषां इससे पूर्व अभीष्टः कामः पूरितः हमारे अभीष्ट यानी इच्छित कार्यों को आपके द्वारा पूरा किया गया है। तन मम एकम कामम पूरे यहाँ शब्द आया है तन मम एकम जबकि ये शब्द होता है तत् धन मम धन एकम तत् यानी तो त जो है नाम में बदल गए अनुनासिक संधि है तो तत् यानी तो मम एकम कामम पूरे मेरा एक काम पूरे यानी पूरा करो यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि जिससे इस पूरी पृथ्वी को मैं अदरिद्राम यानी दरिद्रहीन देखूं यानी इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहे ऐसा आप कुछ कीजिए तथा करो तू देव वैसा कुछ कीजिए तथा करो तू देव यानी वैसा कुछ कीजिए देव। एवं वादिनी जीमूत वाहने इस प्रकार वादिनी यानी कह करके और जीमूतवाहन ने ऐसा कह करके त्यक्तस्त्वया एषो एवं वादिनी जीमूतवाहने जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर और उस कल्प वृक्ष ने क्या कहा वह देखिए त्यक्तस्त्वया एषो अहम जातो अश्मि तुम्हारे द्वारा त्यक्त यानी त्यागा गया त्वया यानी तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह एषः यानी यह अहम यानी मैं या तो अश्मि जा रहा हूँ क्योंकि आपने कह दिया कि जो इस पृथ्वी पर जो है वो आप धन वृष्टि करके और ऐसा करो कुछ जिससे यह पृथ्वी जो है इस पर कोई भी गरीब नहीं रहे ऐसा करके आप यहाँ से जाइए। तो जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर उस पेड़ ने कहा कि यह तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जाता हूँ जा रहा हूँ इति वाक तस्मात् तरोः उद्भूतः ऐसा कह करके और वह पेड़ उद्भूतः उस तस्मात् तरोः उद्भूतः ऐसा कहने पर उस पेड़ से तरोः यानी उस पेड़ से वाक तस्मात् उद्भूतः तस्मात् यानी उस पेड़ से तस्मात् तरोः यानी उस पेड़ से वाक उद्भूतः यानी एक आवाज आई वाणी आई एक आवाज उत्पन्न हुई क्या कहा क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य उत्पत्य भुवि तथा वशुनि अवश्य क्षणेन यानी पल भर में स कल्पतरु वह कल्प वृक्ष दिवं समुत्पत्य यानी देवलोक में जाकर के स्वर्गलोक में पहुंच करके और भुवि धरती पर तथा वशुनि अवश्य ऐसी वर्षा की जिससे यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत जिससे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहा दुर्गत नहीं रहा कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं रहा ऐसी धन की बारिश की ततस्तस्य ततः यानी इसके बाद तस्य जीमूतवाहनस्य उस जीमूतवाहन का सर्वजीव अनुकंपया
सभी जीवों पर दया करने के कारण से सर्वत्र यशः प्रथितम, सब जगह उसका यश फैल गया, सब जगह उसकी ख्याति प्रसिद्धि फैल गई। तो इसलिए इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लिए नहीं करके और इस देश और समाज के लिए कुछ परोपकार करना चाहिए, जिससे यह संपूर्ण जगत खुश रह सके। धन्यवाद।